कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, किसी हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहां ये जो बातें आज हम कर रहे हैं वो कोई नई नहीं है, हमें कहां गया है, दुर्भाग्य है कि हम भूल गए। खुसूसन हिंदुस्तान में, इस देश में हम हमारे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना जरूर सिखाते हैं, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे बच्चे कुरान मजीद की तिलावत तो कर सकते हैं लेकिन उस कुरान मजीद से हिदायत नहीं पाते, क्योंकि हम अरबी नहीं समझते। तिलावत करना अच्छी बात है, आपको सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन जो सवाब आपको जन्नत में लेके जा सकता है वो सवाब है कुरान मजीद की बातों पे अमल करना। अगर आप कुरान मजीद समझ नहीं सकेंगे तो आप अमल कैसा करेंगे? अफसोस की बात है कि हमारे वालदेन ने इसे अहम नहीं समझा कि वो हमें अरबी जबान सिखाए, लेकिन आज हमें हमारे बच्चों को अरबी जबान सिखाना बहुत जरूरी है ताकि वो अल्लाह सुबहाना व ताला का कलाम खुद अपने आप समझ सके। सबसे बेहतरीन तोहफा अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं वो है अरबी जबान सिखाओ और कुरान मजीद पढ़ने के लिए कहो और उससे हिदायत पाओ। इससे बेहतरीन तोहफा मैं नहीं जानता हूं कि बच्चों को अरबी जबान सिखाओ, पढ़ना और समझना, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के अलावा समझना, ताकि वो कुरान मजीद को पढ़ने के बाद अल्लाह सुबहाना व ताला के एहकामात पे अमल कर सके। दूसरी किस्म की इल्म है दुनियावी इल्म, वो दुनियावी इल्म जो आपको अपने रब अपने खालिक के करीब ले जाता है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो इल्म जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, अपने रब अपने खालिक से दूर ले जाता है, वो आखिरत में कोई फायदे का नहीं। और आज के माशरे में सबसे बेहतरीन पेशा जो समझा जाता है वो है डॉक्टर का। अक्सर वालदेन की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। डॉक्टरी के पेशे में जब इल्म हासिल करते हैं मेडिसिन के बारे में, इसमें कई फायदे हैं। मेडिसिन का इल्म जानने के बाद आप हजारों इंसानों की जान बचा सकते हैं, अच्छा है, लेकिन इस इल्म के जरिए आप गलत काम भी कर सकते हैं। एक तरफ है कि आप इंसानों की जान बचा सकते, दूसरी तरफ है कई बार नौजवान जब जिना करते हैं वो डॉक्टर के पास जाते अबॉर्शन करने के लिए, बच्चे को गिराने के लिए, हमल को गिराने के लिए। ये मेडिसिन के इल्म के जरिए कई डॉक्टर अबॉर्शन करते हैं उन नौजवानों के जिना को छुपाने के लिए। कई बार वालदेन को जब पता लगता है कि मां के पेट में लड़की है तो वो चाहते हैं कि बच्चे को गिराए, अबॉर्शन करे, तो जाते डॉक्टर के पास। उस मेडिसिन के इल्म के जरिए वो डॉक्टर अबॉर्शन करता है, उस बच्चे को गिरा देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 और सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह सुबहाना व ताला आपकी और आपकी बच्चों की परवरिश करेंगे, आप फिक्र मत करो, आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह सुबहाना व ताला आपके बच्चों और आपकी परवरिश करेंगे। तो ये जो दुनियावी इल्म है कई बार फायदेमंद है,
कई बार नुकसानदायक है। ऐसी मिसाल मैं सैकड़ों दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ एक डॉक्टरी की मिसाल दिया। हम वालदेन का फर्ज है कि हम अच्छा माहौल अपने बच्चों को दें, और आज अक्सर वालदेन चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को एक अच्छी उम्दा अंग्रेजी स्कूल में डालें, कॉन्वेंट स्कूल में, और बहुत जिद्दोजहद करते हैं बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डालने के लिए। कई बार लाखों रुपया रिश्वत देते हैं ताकि मेरे बच्चे को कॉन्वेंट में एडमिशन मिले। आप अगर अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालते हैं जो मगरबी माशरे के बारे में आपके बच्चों को सिखाती है, जो अपने रब से दूर लेके जाती है, वो ऐसी मिसाल है जैसे कि आप अपने बच्चों के हाथ पैर बांध रहे हैं रस्सी से और उसको पानी में डाल रहे हैं और कहते हैं कि तैरो। आप अगर अपने बच्चे के हाथ पैर बांधेंगे और पानी में डालेंगे, वो बच्चा कैसा तैरेगा? जिम्मेदार कौन है? हम। और एजुकेशन के जरिए हम देखते हैं, स्कूल में कई मिसाल दे सकता हूं। स्कूल में सिखाया जाता है तहजीब के बारे में कि आप अपने वालदेन की देखभाल के लिए एक बूढ़े का घर कायम करो। आप अपने वालदेन की इज्जत करो और क्या करो, उनके लिए ओल्ड एज होम कायम करो। ये सिखाया जाता है तालीम में, वेस्टर्न तालीम में, ओल्ड एज होम, ताकि वालदेन जब बूढ़े हो जाए उनको अपने रास्ते से हटा दो, ओल्ड एज होम में डालो तो आप फ्री है, आप आजाद है, वो आपकी रुकावट बन रहे तो ओल्ड एज होम में डालो। ये इस्लाम के खिलाफ है। ओल्ड एज होम, बूढ़ों का घर, इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में कि हमने इंसानों को कहा है कि वो अपने वालदेन से अच्छा बर्ताव करे। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि आप अपने रब की इबादत करो और उसके बाद अपने वालदेन से अच्छा बर्ताव करो, और दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए तो उनको उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनके साथ हुस्न सलूक करो और अल्लाह से दुआ करो कि उनको बरकत दे, क्योंकि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। इस्लाम में जब वालदेन ज़ईफ हो जाते एक या दोनों, अल्लाह ताला फरमाते उफ तक मत कहो, और यहां मगरबी तालीम में हमें सिखाया जाता है ओल्ड एज होम बनाओ। ये इस्लाम के खिलाफ है। मगरबी तालीम में हमें सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता है, और जो मैं मगरबी तालीम कह रहा हूं वो हिंदुस्तान में भी, मुंबई में भी हो रहा है। सेक्स एजुकेशन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, इंडिया में भी, बंबई में भी। आप कितने स्कूल में जाओ, वहां आपको तालीम देने के लिए स्पेशलिस्ट आते हैं जिसे कहते हैं सेक्स एजुकेटर्स, और कहते हैं बच्चों से स्कूल में, छठी के बच्चों से, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, मगरबी ममालिक में नहीं, बंबई शहर में, कहते हैं कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बीमार हो जाएंगे, बीमारी फैलेंगी। कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बच्चा पैदा हो जाएगा। आप मगरबी मुल्क में जाएंगे तो होर्डिंग लगे हैं, कॉन्डमाइज योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ फ्रॉम एड्स, कॉन्डमाइज योर सेल्फ, मतलब एड्स से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। मगरबी मुल्क में तालीम यह देना चाहिए कि जिना मत करो, तो तालीम दे रहे जिना का रास्ता दिखा रहे, करो लेकिन बीमारी से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। हमारे माशरे को क्या हुआ है? और अफसोस की बात है कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है और एक भी पेरेंट अपना मुंह भी नहीं खोलता है।
एक भी पेरेंट, वो पेरेंट को भी तालीम दी जाती है कि अपने बच्चों से कहो कि कॉन्डम का इस्तेमाल करो। और जब मैं तकरीर किया था 10 साल पहले, एक स्टैटिस्टिक्स है यूके का, सन 1999 का, 1999 का, और वो स्टैटिस्टिक ये कहता है कि अक्सर लड़कियां 19 साल होने के पहले 90% से ज्यादा लड़की दे लूज दे वर्जिनिटी, हिंदी में कहूंगा कि वो जिना करती है। 90% से ज्यादा लड़कियां 19 साल होने के पहले यूके में जिना करती है। और एक स्टैटिस्टिक जो चंद साल बाद का है कि यूएसए में 95% ऑफ द गर्ल्स लूज दे वर्जिनिटी बिफोर दे लीव कॉलेज, 95%, 95%। चंद साल पहले मेरे एक दोस्त थे जो डॉक्टर है, बंबई शहर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे ऑन एड्स, और उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि बंबई शहर में 70% से ज्यादा, मोर देन 70% लड़कियां स्कूल से फारिग होने से पहले जिना करती है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि बंबई शहर में, इंग्लैंड में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, बंबई शहर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑन एड्स, 70% से ज्यादा लड़कियां दे लूज दे वर्जिनिटी, उर्दू में कहूंगा जिना करती है। 70%, 10 लड़कियां जो स्कूल में जा रहे बंबई शहर में, 10 में से 7 जिना कर रही है। कान को यकीन नहीं होता, यह भी स्टैटिस्टिक से चंद साल पहले की। हम क्या सिखा रहे हमारे बच्चों को? इसीलिए जब एक सर्वे किया गया था यूके में, इंग्लैंड में, सिंगल सेक्स स्कूल और कोएड स्कूल के दरमियान एक सर्वे हुआ था, स्टडीज, कि जो स्कूल में सिर्फ एक जिन्स के बच्चे पढ़ते, सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के, और दूसरी जगह कोएड स्कूल, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है, द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल सेक्स स्कूल, जो तालीम का जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में, सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है, जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत कोएड स्कूल के, क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो या हीरोइन बने, कैसे मुतासिर करे अपने दूसरे जिन्स को। लड़का लड़की को मुतासिर करना चाहता है और लड़की लड़के को। इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले, इस्लाम की तरफ आ रहे। ये थी मगरबी तालीम। मैं मिसाल दूंगा अभी ईसाई स्कूल के बारे में। हिंदुस्तान को अंग्रेज तो छोड़ के गए, लेकिन तालीम की बुनियाद अब भी क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ में। हिंदुस्तान में कई स्कूल है, अक्सर जितने स्कूल है हम जानते हैं, मेजॉरिटी जो एजुकेशन, जो बुनियादी एजुकेशन की तालीम है अक्सर शहरों में, वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स कर रहे हैं। और कई स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से मुतासिर किया जाता है उसकी मिसाल दूंगा मैं। अक्सर स्कूल में, चाहे बम्बे में हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, अक्सर स्कूल में सुबह को उन्हें दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहि सलाम को, नऊज बिल्ला, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहि सलाम खुदा है, नऊज बिल्ला। और हर सुबह हमारे बच्चे ईसा अलैहि सलाम से दुआ करते हैं, फिर भी हम लाखों रुपया डोनेशन दे रहे, रिश्वत दे रहे स्कूल में दाखिल करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे हर सुबह शिर्क करें। वो तो क्या देखा जाएगा, मैं बच्चे को घर पे सिखाऊंगा। अफसोस की बात है कि बंबई तो छोड़िए, हमारे इलाके में जहां मेरा इदारा है,
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस मोहल्ले का नाम है डोंगरी, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, डोंगरी में एक मुसलमान की स्कूल है जहां बच्चे 95% से ज्यादा 95% से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम, लेकिन उस स्कूल के कैलेंडर में जो प्रेयर्स पढ़ेंगे, आ लॉर्ड गिव अस आवर डे आवर डेली ब्रेड, बाइबल के कोटेशन है, ईसा अलैह सलाम से नाउज बिल्ला कह रहे हैं कि वो हमारा रब है और उससे दुआ कर रहे हैं। आप सोच सकते मुस्लिम मैनेज स्कूल, 95% मुसलमान पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम, और बच्चे हर रोज बाइबल के वर्सेस पढ़ते सुबह को। जब पता चला तो हमने मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि उनने उस दुआ को बदल दी, लेकिन कितने सालों से पढ़ा रहे थे मैं ये नहीं जानता हूं। कुछ स्कूल में आप देखेंगे कि नन्हे बच्चों को किस तरीके से उनके जहन को भड़काया जाता है, मिसाल के तौर पे कुछ स्कूल है जो हर सुबह में बच्चों से दुआ करवाते हैं, या अल्लाह हमको चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं मिलती, हे राम मुझे चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं, ओ जीसस मुझे चॉकलेट दे, और ऊपर से चॉकलेट गिरती है। वो बच्चे के जहन में क्या गुजरेगी, वो सोचेगा कि मैं अल्लाह से फरमान करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं, राम से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं, ईसा अलैहि सलाम से दुआ करता हूं, फौरन चॉकलेट मिलती है मुझे। फिर चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है या अल्लाह, बच्चा चॉकलेट को खोल के खाता है, चॉकलेट कड़वी होती है, चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है हे राम, चॉकलेट खोलते खाती है, चॉकलेट कड़वी होती है, चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है ओ जीसस, बच्चा चॉकलेट खाता है, चॉकलेट मीठी होती है, एक लफ्ज कहे बिना उस बच्चे के जहन पे फौरन उस नन्हे से बच्चे के जहन पे यह समझ में आता है कि ईसा अलैह सलाम हमारा कहना मानते और हमें अच्छी चीजें देते हैं। ऐसी कई मिसाल है, मैं और एक मिसाल दूंगा, स्कूल में बच्चे पिकनिक के लिए जाते, कुछ स्कूल में साल में एक बार, कुछ स्कूल में साल में दो बार, जब पिकनिक पे जाते तो बस खराब हो जाती है, तो टीचर कहती है अभी दुआ करो कि बस अच्छी हो जाए, बोलो बच्चों या अल्लाह बस शुरू हो जाए, तो या अल्लाह बोलते इग्निशन देता है ड्राइवर, बस नहीं शुरू होती, हे राम बस को ठीक कर दे, इग्निशन देता है ड्राइवर, बस सीधी नहीं होती, ओ जीसस बस को ठीक कर दे, और बस ठीक हो जाती, करकर शुरू हो जाती है। उस बच्चे के जहन पे, नन्हे से बच्चे के जहन में ये मालूम हो जाता है कि मेरा मददगार सिर्फ ईसा अलैहि सलाम है, नऊज़ुबिल्लाह, और वो ही हमारा ईश्वर है। वालदेन का फर्ज है कि अपने बच्चों को सही तालीम दे और सही तरबियत दे। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही हदीस में है, सही मुस्लिम के जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 1631 में, कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे आमाल खत्म हो जाते सिवाय 3 चीज के। नंबर 1 सदका जारिया, ऐसा सदका करो जो हमेशा के लिए जारी रहे। दूसरा इल्मुन नाफिया, ऐसा इल्म जो लोगों को फायदा पहुंचाए। और तीसरा वलदुल सालेह, नेक औलाद जो वालदेन के लिए दुआ करते हैं। तो इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे आमाल
का जो अकाउंट रहता है वो बंद हो जाता है सिर्फ तीन चीज के, एक है सदके जारिया, दूसरा इल्म नाफिया जो इल्म से लोगों को फायदा हो रहा है, और तीसरा वलदुल सालेह में अच्छे नेक औलाद जो वालदेन के लिए दुआ करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को सही तालीम दे, अपने रब की तरफ ले जाए, इंशाअल्लाह वो आपकी जन्नत का रास्ता बन सकते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसका जिक्र सही हदीस में है, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल जुमा चैप्टर नंबर 11 हदीस नंबर 893 में, जिसका जिक्र तिर्मिजी में भी आता है जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1376 में, जहां अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान चारवा है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ शेपर्ड, हर इंसान जिम्मेदार है, इमाम चारवा है रियाया के, इमाम जिम्मेदार है अपने लोगों के, आदमी जिम्मेदार है अपने अहलो आवाल का, अपने बीवियों और बच्चों के लिए, एक औरत चारवा है जिम्मेदार है अपने शोहर के घर के, अपने बच्चों की, और नौकर जिम्मेदार है अपने मालिक की प्रॉपर्टी के। हर इंसान चारवा है, शेपर्ड है, जिम्मेदार है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वालदेन अपने बच्चों के जिम्मेदार है, क्या क्या तालीम वो अपने बच्चों को देते हैं। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल है, हजरत उमर जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं कि 1000 मुत्तकी मुसलमान, 1000 नमाज पढ़ने वाले मुसलमान की मौत सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के, जो अल्लाह के हराम और हलाल के अहकाम जानता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि अगर 1000 मुत्तकी मुसलमान, नेक मुसलमान, नमाज पढ़ने वाले मुसलमान मरते हैं, वो सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के, जिसके पास अल्लाह के हुक्म फर्ज हलाल और हराम के बारे में जानता हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक वक्त कहते हैं साहबा से कि आपकी क्या ख्वाहिश है कि ये कमरा किससे भर जाए ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं अल्लाह का दीन फैलाने के लिए, सबसे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है। तो एक साहबा फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि ये रूम, ये कमरा सोने से भर जाए ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते इससे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है। तो दूसरे साहबा उठ के कहते कि मैं ख्वाहिश करूंगा कि ये कमरा हीरे और जवाहरात से भर दे ताकि मैं इसका इस्तेमाल अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन फैलाने के लिए कहूं, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन फैलाने के लिए करूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते इससे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है। तो साहबा फरमाते या अमीरुल मोमिनीन, आप हमसे कहो इससे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मेरी ख्वाहिश है कि ये कमरा दाई से भर जाए, जैसे माज़ इब्न जबल, अबू उबैदा बिन जर्रा, हुज़ैफा बिन अल-यमन रज़ियल्लाहु अन्हु, ताकि मैं इनको भेजूं अल्लाह का दीन फैलाने के लिए। इस कॉल से हमें पता चलता है कि सबसे बेहतरीन है मैन पावर। हम इंसान समझते हैं
कि सबसे ज्यादा जरूरत है दौलत की। दौलत ठीक है, जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सबसे अव्वल नंबर पे नहीं, सबसे अव्वल है मैन पावर। अच्छे लोग पैदा करो, अच्छे लोग बनाओ, अच्छे लोग तैयार करो। आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल ने क्या दौलत पीछे छोड़ी? अल्लाह के रसूल ने सहाबा तैयार किए और ये सहाबा ने अल्लाह का दीन फैलाए। मिसाल है हमारे पास हजरत अबू बकर की, हजरत उमर की रज़ियल्लाहु अन्हु, एक एक मिसाल। तो दीन फैलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। अगर 10 अहम चीज है, हो सकता है कि 10वें नंबर पे पैसा आ सकता है, अव्वल नंबर पे नहीं। आज हम मुसलमान के पास क्या पैसे की कमी है? आज हम मुसलमान के पास काला सोना है, अरबों के पास पैसों की कमी है? क्या हालत है मुसलमान की? एकदम नीचे है। सब लोग हमको लात मार रहे, मीडिया पे हमको जलील कर रहे। इतना पैसा हमारे पास है, मैं कई अरब को जानता हूं जो 10-10 बिल गेट्स को अपने खिसे में रखेगा। कितने? 10-10 बिल गेट्स को एक एक खिसे में। ये फोर्ब्स की लिस्ट पे मत जाइए आप, ये फोर्ब्स की लिस्ट सिर्फ चंद ताजिर को लेके अपनी लिस्ट बनाते, फरिश्त बनाते हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को पैसा कम नहीं दिया, फिर भी हमारी हालत है। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसके बारे में मैं कहूंगा इंशाल्लाह कुछ देर बाद। तो दौलत दीन फैलाने के लिए जरूरी नहीं है। और अल्लाह ने आपके सामने जो नाचीज खड़ा है, मैं जानता हूं कि 20 साल पहले हमने कायम की थी हमारी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। मैंने मेरे वालिद से कहा कि आप लाखों रुपया भार देते हैं खैरात में, मुझे 5000 रुपया दो महीने का। हमने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन शुरू किए 5000 रुपया महीने से, बस 5000 रुपया। 20 साल बाद अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की हिदायत से, अल्लाह की मेहरबानी से आज हम ऐसे मकाम पे पहुंचे हैं माशाल्लाह कि दुनिया में कोई भी नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट दावा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारे पास लोग हैं, जो वॉलंटियर्स है, जो दाई है, वो इंपॉर्टेंट है। लोग समझते कि पैसा जरूरी है, पैसा मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। ठीक है, 10वें नंबर पे आ सकता है, अहम नहीं है। 5000 रुपया महीना से शुरू किए और आज अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमें हमारे बच्चे को तालीम देना चाहिए, एक एक बच्चे को ऐसी तालीम देना चाहिए कि वो दीन के करीब आए और अपना दीन फैला सके। हम अगर सहाबा की सीरा पढ़ेंगे, एक एक मिसाल हमें मिलेंगी उसमें। और इसकी जिम्मेदारी है हम वालदेन की। अब तारीख पढ़ेंगे तो चंद मिसालें मिलती हैं हमें, हमें मिसाल मिलती है अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में। हम जब किताबें पढ़ते अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में, तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था। और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे,
जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे, जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की, और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे, और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया, उनका बड़ा हाथ है, और वो तौहीद पे थे, इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे, तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है, और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे नहीं? उन्होंने कहा हाँ है, मेरी मां ने मेरे कपड़ों में सी ली है, और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफिया नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती है। जब तारीख पढ़ते हैं, हमें मिसाल मिलती है तारीख पढ़ने के बाद, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे, और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है, और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उलमा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उलमा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उलमा के दरमियान उनकी परवरिश होती है, और अल्लाह सुबहाना व ताला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा, इमाम बुखारी की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुबहाना व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुबहाना व तआला उनकी वालदा की दुआ सुनते, और उनकी वालदा के ख्वाब में आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी गई है। और सुबह को
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं। तो ये मिसाल है वालदा की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। मैं और एक मिसाल दूंगा। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सालेहा। और फारूक और सालेहा आपस में मोहब्बत करते थे, उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद पर। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सालेहा को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपने एलिया को और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जियाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जियाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनके अहलिया सालेहा को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शोहर वापस नहीं आते, 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते, 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सालेहा से कि मैंने तुम्हारे शोहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते, तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं, लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उलमा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था, वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सालेहा से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए। तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उलमा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उलमा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते, सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है, ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते, मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है, आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते, उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपये। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हां, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम,
डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे, क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे, गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह।